ये कहां गई परंपरा, ये क्यों खोई आपने परंपरा। हम सम्मान तो सभी से पाना चाहते हैं, लेकिन हम सम्मान देना ही भूल गए। अरे समायिक तो बाद में कर लेना, पहले सम्मान देने की कला सीखिया। एक साधु दूसरे साधु की सम्मान करना भूल गया। साधुओं को भी डर लगता है, उस स्थानक में वो संत रुका हुआ है, मैं जाऊं या ना जाऊं। आपके लिए भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो संत रुके हुए हैं, हम और संतों को बुला के लाएं या ना लाएं, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो संतों की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मिलना नहीं जाते। और संत तो एक दूसरे को देख करके इग्नोर कर देते हैं, वो भी समाचारी के नाम पर, कि हमारी समाचारी नहीं मिलती। अरे भैया तेरी समाचारी भगवान महावीर से बड़ी है क्या? मेरे मिलने से क्या तुम्हें क्रिया लग जाएगी? मेरे मिलने से क्या तुम्हारी साधुता कम पड़ जाएगी? मैं अगर तुम्हें नमस्कार कर रहा हूं तो क्या मेरा नमस्कार लेने से भी आपकी साधुता कम हो जाएगी? हम जीते कहां हैं, जी कहां रहे हैं? हम अगर इतनी छोटी छोटी बातों में भी हम उलझ गए तो फिर आत्मा तक पहुंचेंगे कैसे? फिर अरिहंत की आराधना करेंगे कैसे? फिर समाज की साधना करेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि साधु साध्वी को लेकर के समाज टेंशन में आ जाए, हमें लेकर के आप लोग टेंशन में आ जाए। आपके साथ तो वो स्थिति बन गई है कि आपके ये, क्योंकि हम जितने साधु साध्वी हैं सब आपके बच्चे हैं, लेकिन बच्चे इतने नालायक हैं कि एक दूसरे से मिलकर के रहने को तैयार नहीं है, और टेंशन तुम्हें होनी है, होनी है माँ बाप को ही होनी है, और किसको होनी है? हमारे जिन शासन के अंदर एक से एक बढ़कर साधु साध्वी है, कोई कम नहीं है। ये बड़ी मेहरबानी है जिन शासन की एक से एक प्रतिभाशाली साधु साध्वी है, एक से एक महान क्रिया के धारी साधु साध्वी है, एक से एक विद्वान साधु साध्वी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे समाज का अस्तित्व खतरे में है तो जरूर कुछ ना कुछ है कमी, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। क्या कमी है? क्योंकि हर साधु साध्वी अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है, हर साधु साध्वी अपने आप को साबित करने पर जुटा हुआ है, इसकी वजह से ये जिन शासन लगातार धीरे धीरे पीछे हटता जा रहा है। अगर काश हमने एक दूसरे का सम्मान किया होता, जिनकी क्रिया ऊंची है हमने उनके हृदय, उनके प्रति हृदय से नमन किया होता, और ये महसूस किया होता धन्य है कि चौथे आर्य क्या संयम आज पंचम आर्य में भी पाल रहे हैं, ये सोच हमारी रही होती और ये सोच उधर भी रही होती कि जिनको समाज का एक ऐसा तबका है जो थोड़ी बहुत सुविधाओं के साथ भी जिन शासन से जुड़ सकता है, और उनके लिए जिन साधु साध्वियों ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं, उस मध्यम मार्ग की वजह से आज की जेनरेशन अगर जिन शासन से जुड़ती है तो धन्य है उनको। तो कहीं, क्योंकि जब हम गुण देखेंगे ना तो हम किसी के अंदर किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम बल्कि ये समझेंगे कि हम जिन शासन विद्यापीठ के सभी अध्यापक हैं, कोई प्रोफेसर हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि विद्यापीठ के अंदर पहली कक्षा में पढ़ाने वाला भी एक अध्यापक होता है और बीए एमए पीएचडी को पढ़ाने वाले भी एक प्रोफेसर होता है, लेकिन सौभाग्य हमारा यह है कि हम जिन शासन की विद्यापीठ के अध्यापक और अध्यापिका प्राध्यापक प्राध्यापक क्या हैं, ये भाव जब आते हैं हमारे अंदर तो क्या मजाल है कि जिन शासन को गरिमा प्राप्त ना हो। और ये गरिमा को प्राप्त करवाने के लिए समायिक की जाती है, इसी को गरिमा महिमान्वित करने के लिए हम घर बार छोड़ करके संत बनते हैं, लेकिन संत बनने के बावजूद भी हम अपने आप को ही प्रेषित करने लग जाएं, अरिहंत परमात्मा को पीछे छोड़ने लग जाएं, अपने अहंकार को आगे लाने लग जाएं, तो जिन शासन भैया इस तरह नहीं चलेगा। जिन शासन सौहार्द से चलता है, जिन शासन सहिष्णुता से चलता है, जिन शासन प्रेम से चलता है, जिन शासन गुणग्राही दृष्टि से चलता है, और ये गुणग्राही दृष्टि साधु साधियों में भी होनी चाहिए, और यही गुणग्राही दृष्टि श्रावक और श्राविकाओं में भी होनी चाहिए।
हम कहाँ बिछड़ गए, कहाँ पिछड़ गए, कहाँ भटक गए, ये चिंतन का विषय है। और ये समायिक लेने वाले हर श्रावक श्राविका को, हर साधु साध्वी को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। एक ऐसा एहसास मिलता है जो किसी को दुख नहीं देता।